तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल महात्मा में। मैं हूं अमित और आज हम बात करने वाले कि आपको कोई टिकटॉक में गाली देता हो तो उसे कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि टिकटॉक में ये फीचर आपको मिलता है लेकिन आप लोगों में से बहुत लोगों को पता नहीं है। तो कैसे ये मिलेगी, क्योंकि बहुत लोग होते हैं कि फेमस होने के कगार पर रहते हैं, ज़्यादा फेमस होने से उनके लोग भी जो फॉलो किए रहते हैं अनफॉलो करते हैं पहली बार, और नहीं करते तो क्या करते हैं जो मतलब कि धीरे धीरे उनको वीडियो में गाली देने लगते हैं, मोटिवेट करने के बजाय उसे तोड़ने लगते हैं कि ये हट जाए इसकी जगह पे मैं आ जाऊँ, ऐसा बहुत लोगों के मन में होता है। तो आज मैं आपको बताऊँगा अगर कोई आपको गाली देता है तो उसे कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि YouTube में है ये फंक्शन पहले से दिया गया है, आप TikTok में भी पहले से ही था लेकिन आप लोगों को बहुत लोगों को पता नहीं है कैसे ये करना है। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, और भी कुछ फंक्शन मैं आपको बताऊंगा जिससे कि आपको बहुत ज़रूरी हो सकती है, जो आप यूज करके टिकटॉक को अच्छे से चला सकते हो। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो चलिए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स नीचे कमेंट करने चले जाइए, कमेंट कर दीजिएगा कुछ भी जो कि आपको अच्छा लगा हो या कुछ पूछना हो वो भी कर दीजिएगा। साथ में आपको बता दूं कि अगर आपको कुछ अलग से पूछना है जो आपको समझ में नहीं आता है, चाहे कुछ सुझाव देना हो, तो यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी दिख रही होगी, वहाँ पे जाइए मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक बात बता दूं आपको कि अगर आप टिकटॉक पे वीडियो बना बना के थक गए, आपको पैसे नहीं मिल रहे, तो आपको एक लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, बेस्ट अर्निंग ऐप, वहाँ से जाइए उस ऐप को इंस्टॉल कीजिए और उसमें आईडी बनाइए, और जो भी टिकटॉक वीडियो आप अपलोड करते हो तो गैलरी में सेव हो जाती होगी, उसको भी उस पर अपलोड कीजिए और उसके व्यूज़ के आपको वहाँ पे पैसे मिलेंगे जो कि आप पेटीएम में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो उस लिंक को चेक कर लीजिए। तो चलिए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करना भूल गया कि अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल कीजिएगा, तभी मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ना कहीं भूत ना कहीं आत्मा, आप देखते रहिएगा हमेशा टेक्निकल मार्क। तो दोस्तों मैं अपने प्रोफाइल पे आ चुका हूँ और यहाँ से आपको कुछ सेटिंग्स चेंज करनी है जो कि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, तो इसको ध्यान से देखते रहिएगा पूरा अंत तक देखिएगा। तो यहाँ पे 3 डॉट है, इस पर टैप करना है और सबसे पहले आता है ऊपर मैनेज माई अकाउंट, इस पर चलते हैं और इसके बारे में जानते हैं क्या चीज़ है। तो यहाँ पर आप सब ऊपर वाला तो जानते होंगे, लेकिन यहाँ पर मैनेज माई डिवाइसेज है, इसको बारे में नहीं जानते होंगे। यहाँ पर सेव लॉगिन इन्फो, इसको ऑन कर दीजिएगा। जैसे ही आप इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पर मैनेज डिवाइस में जाइएगा, तो आपको यहाँ पर जो आप डिवाइस चला रहे हैं उसमें इसका नाम आएगा, चाहे कोई भी व्यक्ति आपका आईडी यूज कर रहा है चाहे जहां भी है तो उसका इसमें आपको नाम आ जाएगा। तो यहां पे करेंट डिवाइस में मेरा इन्फिनिक्स हॉट 8 आ रहा है जो कि मैंने यूज किया था, कितने तारीख को यहां पे लॉगिन किया था सो यहां पे बता रहा है। तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि मेरा आईडी कितना पुराना हुआ, ये एक अच्छी सेटिंग है सो आप देख सकते हैं इस तरह से। अब दूसरी बात कर लेते, चलिए यहाँ से बैक चलते हैं और आपको एक और बात हम बता देते हैं। यहाँ पे एनालिटिक्स का ऑप्शन आ रहा है, वो लोगों में अभी नहीं आता हो, तो इसे ऑन करने के लिए यहाँ पे आप मैनेज माई अकाउंट में ही जाइएगा, तो स्विच बैक टू पर्सनल अकाउंट है मेरा, पहले से बना हुआ है, तो बैक टू करेंगे तो यहाँ से एनालिटिक हट जाएगा और फिर से नॉर्मल आ जाएगा। तो इस पर प्रो अकाउंट कीजिएगा, यहाँ पर प्रो ऑप्शन आएगा तो फिर से वो बन जाएगा आपको। तो ये हो गया दूसरी। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं जो आपको यहाँ पे आता था ऑप्शन, जो गाली कोई दे उसे कैसे रोक सकते हैं, तो इसे ध्यान से देखिएगा। प्राइवेसी एंड सेफ्टी में जाइएगा और यहाँ पे आपको ऑप्शन अरे मिल जा रहे हैं कुछ इस प्रकार से। तो पहले हम एक और इसमें ऑप्शन आ रहा है, इसको हम देख लेते हैं, पर्सनल एंड डाटा, इस पर टाइप करते हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है, डाउनलोड टिकटॉक डाटा, जो आपका आईडी बना हुआ है चाहे जो भी वीडियो अपलोड किए हैं वो सब एक साथ रखना है। तो यहाँ गेट ए कॉपी ऑफ योर टिकटॉक डाटा, जितना भी आप अपलोड किए हैं, कमेंट किए हैं, जो भी लाइक किए हैं, सब यहाँ पर आपको डाउनलोड करना है, तो कर सकते हैं इस प्रकार से। ऐसे कि यहाँ पर आ रहा है, थोड़ा लोड लेगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं योर प्रोफाइल, योर एक्टिविटी, योर ऐप सेटिंग जो भी है, सो रिक्वेस्ट डाटा कीजिएगा, तो आपको यहाँ पे डाउनलोड होके डाउनलोड डाटा में आ जाएगा। तो ये हो गया, मैंने पहले से नहीं कर रखा है तो अभी ऐसे ही आएगा, तो इसको ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगली बात कर लेते हैं, जो कमेंट में कोई गाली दे सकता है उसे कैसे आप बंद कर सकते हो। यहाँ पर नीचे आ रहा है कमेंट फिल्टर्स, इसमें जाना है तो यहाँ पर मिलेंगे फिल्टर स्पैम एंड ऑफेंसिव कमेंट्स, जो गलत कमेंट्स करता है चाहे कोई बार बार एक ही कमेंट नाइस 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 ऐसा लिखता है तो अपने आप वो हाइड हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस इसको इनेबल कर देना है। ऐसे में आपको ये अपने आप स्पैम कमेंट जो टिकटॉक को लगता है वो हाइड हो जाए। अब यहाँ पे आता है फिल्टर कीबोर्ड, यही है मेन, इसको ऑन कीजिएगा तो यहाँ पे आपको आ रहा है ऐड कीबोर्ड, तो इस पर ही आपको कोई गाली देता है चाहे जैसा भी गाली दे, तो यहाँ पे प्लस पे टैप करना है और एक यहाँ पे लिखना है, जैसे कि कोई गाली देता है तो मान के चले तू पागल है इस प्रकार से, मैं तो गाली नहीं बक सकता यहाँ पे, तो मैं ऐसा ही लिख देता हूँ, तो हिंदी में टाइप हो रहा है, इसको इंग्लिश करने दीजिए पहले, तो यहाँ पे तू पागल
इस प्रकार से मैंने लिख दिया और इसको टिक कर दे, ये हो गया एक। फिर यहाँ पे दूसरा लगाना है तो ऐड पे फिर से टैप करना है, फिर से जो भी आपको लगाना है जैसे भी गाली था वो आप ऐड कर सकते हो इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ऐड कर लीजिएगा, जो भी आपको इस प्रकार से लिखेगा वो आपको पहले ही हट जाएगा, डिलीट हो जाएगा, आप उसे ना ही देख सकते हैं बस। और कोई भी आपको जो कमेंट करते हैं, जो आपको फॉलोअर है वो भी नहीं देख सकते, और जो कमेंट करने वाला वो अपने आप पछताएगा कि मैंने गाली दिया वो इसमें शो क्यों नहीं हो रहा। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है, इसे यूज़ ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ से हम बैक चलते हैं, और बैक चलने के बाद यहाँ से ब्लॉक लिस्ट में जिसे आप ब्लॉक करना चाहते हैं तो यहाँ पे खोज सकते हैं, ब्लॉक मैंने कर दिया है, उसे फिर से अनब्लॉक करना है तो ब्लॉक लिस्ट में ही, अब मैंने तो किसी को नहीं किया है तो यहाँ पे नहीं आ रहा है, अब ब्लॉक कर लीजिएगा तो फिर से इसी में चेक कर सकते हैं आपको अनब्लॉक करना होगा तो ये हो गया। फिर बैक चलते हैं, यहाँ पे टिकटॉक कोड है, इस पर जाइएगा तो आपको टिकटॉक कोड इस प्रकार से मिलेगा, आप सेव क्यूआर कोड कर सकते हैं जो कि आप किसी में भेज दीजिएगा तो आपको इससे भी स्कैन करके आपके प्रोफाइल पे आ सकता है वो व्यक्ति टिकटॉक में। तो ये हो गया एक। और यहाँ पे नीचे जाना है, डिजिटल वेलबींग आ रहा है, इस पर टैप कीजिएगा तो यहाँ पे आपको कितना देर मोबाइल चलाना है वो कर सकते हैं। यहाँ पे स्क्रीन टाइम मैनेजमेंट ऑफ है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे ऑफ ही रहने देता हूँ क्योंकि दिन भर ही चलाते रहता हूँ। अगर आपको मन है कि अपने आप बंद हो जाए, टिकटॉक खुले ही ना, 60 मिनट का लगा हुआ है, अगर इनेबल कर देते हैं तो 60 मिनट के बाद ही खुलेगा, तो ऐसे मैं इसको छोड़ देता हूँ यहाँ से। अब यहाँ पे और यहाँ पे एक लास्ट बात बता दूँ आपको कि यहाँ पे नीचे आ रहा है क्लियर कैच, इसे हम करते हैं क्लियर कैच तो क्या होगा, जो भी हम वीडियो बनाते हैं उस समय आपको देखना है कि जब रुकने लगता है आपका स्क्रीन रुकने लगे थोड़ा थोड़ा, उसे आप ठीक कैसे कर सकते हैं, तो इसे यहाँ पे क्लियर कैच करेंगे तो यहाँ से पूरा साफ हो जाएगा, जो भी आपका कैच वीडियो का बना हुआ था वो साफ हो जाएगा और आपको कोई भी रुकावट नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप इस सब सेटिंग को आजमा सकते हैं, और बहुत ही ऐसा सेटिंग है, आप इसे ज़रूर आजमाइएगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।